देश में लॉकडाउन के बाद गरीब और जरूरतमंदों के लिए दो वक्त की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल हो गया है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार लॉकडाउन की पालना के साथ आमजन को दो वक्त की रोटी मुहैया कराने में पूरी कोशिश कर रही है। खास बात यह है कि केंद्र व राज्य सरकार के साथ सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ और अन्य निजी संस्थाएं भी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला राजधानी के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर, जहां एवन टीवी की पहल के बाद कई लोगों ने हाथ आगे बढ़ाए, गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन वितरित किया। बता दें कि एवन टीवी की पहल के बाद कई लोग सामने आए और इस पहल का स्वागत किया और अपने समर्थन का भी ऐलान किया, जिसके बाद अब यह भोजन वितरण कार्यक्रम हफ्ते भर चलाया जाएगा। सरकार के साथ राजस्थान पुलिस है, वो भी सामाजिक सरोकार है, वो निभाती आ रही है, और तमाम सामाजिक संगठन है जो भामाशाह के रूप में सरकार की यहाँ पर मदद के करते हैं, के साथ साथ हाथ से हाथ मिलाते आ रहे हैं ताकि जरूरतमंद लोगों को खाने का वितरण किया जा सके। और उसी का एक नजारा ये है कि सिंधी कैंप थाना पुलिस है वो लगातार यहाँ पर खाने का वितरण करिए जरूरतमंद लोगों को। और हमारे साथ यहाँ पर थाना प्रभारी है जुल्फिकार जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सामाजिक सरोकार के तहत सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं, किस तरह का सामाजिक जो सरोकार है वो निभा रही हैं? ये लोग बाग जो मजदूर टाइप के लोग हैं जो जा रहे हैं, अभी दो दिन से काफ़ी आवागमन बढ़ा उनका, तो उन लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि लोग बाग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो जो पैदल जा रहे हैं मजदूर, उनको ये लोग खाना पीना प्रोवाइड करा रहे, जिससे ये लोग भूखे न रहे। सर, आपने देखा होगा काफ़ी समस्या आ रही है, लोग बहुत दूर से निकल के आ रहे हैं क्योंकि रोडवेज बसें चालू कर दी है ताकि वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। उसके लिए तो आपको नहीं लग रहा कुछ समस्याएं बहुत ज़्यादा निकल के आई है उनके लिए? पैदल के साथ साथ कुछ व्यवस्थाएं भी ऐसी कराई जाए, उसमें आपका एक अनूठा रोल है। कराई जा रही है, पुलिस भी अपनी भूमिका निभा रही है, मीडिया भी निभा रहा है, प्लस जो एनजीओज हैं, कुछ सामाजिक संगठन है, कुछ लोग व्यक्तिगत स्तर पे भी इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे इन लोगों की राह थोड़ी आसान हो सके। आपने भी आज यहाँ पर वितरण? हमारे यहाँ तो जब राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन था, उस दिन के बाद कंटिन्यूसली हमारे एरिया में कोई आदमी भूखा नहीं सो रहा है। कंटिन्यूसली 3-4-5 बंदे ऐसे हैं या संस्थाएँ ऐसी हैं जो इन लोगों को खाना प्रोवाइड करा रही है। तो बिल्कुल कोई भी व्यक्ति है जो जरूरतमंद है वो भूखा नहीं सोए, उसी के चलते यहाँ पर जयपुर जो पुलिस है वो लगातार सरोकार निभाती आ रही है और लोगों को जो दो वक्त की रोटी के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, अब उन्हें लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा रोटी के लिए, मगर उस संघर्ष को यहाँ पर दूर करते हुए जयपुर पुलिस है जो लगातार सामाजिक सरोकार निभाते हुए उन्हें खाने का यहाँ पर वितरण कर रही है, जो कि अपने आप में बेहद काबिल तारीफ है। कैमरा पर्सन विजय मिश्रा के साथ यादविंदर शर्मा, एवन टीवी न्यूज जयपुर।